Hi, welcome to my channel. It's between solve current question number 22. By taking three different values of n, verify the truth of the following statements. तो यहाँ पर four statements दिए हुए हैं. इन four statements का जो truth है उसको verify करना है कि ये true हैं या false हैं by giving examples. Okay? तो हम लोग क्या करेंगे, n का different value लेंगे और verify करेंगे. चलिए इसका solution करते हैं. First, ठीक है, क्या बोला है यहाँ पर, if n is even then n cube is also even. तो हमें n की वैल्यू लेना है थ्री डिफरेंट और इसको वेरीफाई करना है. तो लेट क्या करना है यहाँ पर है कि n जो है यदि इवन नंबर रहेगा तो n क्यूब भी इवन नंबर होना चाहिए. तो लेट n इज इक्वल टू, पहली बार लेते हैं टू, ठीक है. देन हमें क्या करना है कि n क्यूब निकालना है. तो n क्यूब इक्वल हो जाएगा टू का क्यूब, मीन्स आ जाएगा टू मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई टू एंड दैट विल बी एट. तो एट इज आल्सो इवन, दैट इज एट इज आल्सो इवन. सो ये वेरीफाई हो चुका है बिल्कुल पहली बार. और n की वैल्यू फिर दूसरा लेंगे कोई इवन नंबर, तो हम ले लेते हैं फोर. तो n क्यूब करना है तो यहाँ पे आ जाएगा फोर क्यूब और मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा फोर मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई फोर इज इक्वल फोर सिक्सटीन, सिक्सटीन फोर जा सिक्सटी फोर और सिक्सटी फोर इज आल्सो इवन, इज आल्सो इवन. कैसे पता कि ये इवन है, आपको केवल देखना है कि यूनिट्स प्लेस का जो डिजिट है वह इवन है कि नहीं, मीन्स जीरो टू फोर सिक्स एट ये सब आना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि वो नंबर जो है इवन है या ऑड है. ठीक है, तो इवन होगा ये. ओके, एन इक्वल टू हम ले लेते हैं सिक्स या ट्वेल्व या एट या थर्टी टू या थर्टी, कुछ भी ले सकते हैं आप, कोई भी इवन नंबर. ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंपल सिंपल ले रहा हूँ क्योंकि बड़े नंबर लेकर क्या करेंगे आप, क्यूब करना पड़ेगा आपको. तो एन क्यूब करेंगे यहाँ पर क्या मिलेगा, सिक्स क्यूब हो जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा टू हंड्रेड सिक्सटीन. ओके, तो इज आल्सो इवन. ओके, हैंस प्रूव्ड, हैंस वेरीफाइड. ओके, चलिए चलते हैं सेकेंड स्टेटमेंट पर. तो इसको हम इरेज कर देते हैं. सेकेंड क्या बोला है कि इफ एन इज ऑड, यदि एन ऑड है देन एन क्यूब इज आल्सो ऑड. ठीक है, तो हम एन की वैल्यू लेंगे जो कि ऑड लेंगे कोई वैल्यू. तो लेट यहां पर हम सपोज कर लेते हैं लेट एन इज इक्वल टू थ्री, थ्री इज एन ऑड नंबर और हम निकालेंगे एन क्यूब की वैल्यू. एन क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, थ्री क्यूब इज इक्वल टू थ्री मल्टीप्लाई बाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री, थ्री थ्री नाइन, नाइन थ्री ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सेवन इज एन ऑड नंबर, राइट, इज आल्सो ऑड. ओके, पहली बार हमने वेरीफाई कर लिया कि यदि एन ऑड है तो एन क्यूब भी ऑड है. नाउ टेक एन इज इक्वल टू फाइव, तो यहाँ पे हो जाएगा एन क्यूब इज इक्वल टू फाइव क्यूब इज इक्वल टू फाइव मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फाइव इज इक्वल टू वन ट्वेंटी फाइव, इज आल्सो एन ऑड. खैर एन लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट्स होते हैं जहाँ पर जरूरी नहीं होता एन को लिखना होगा. ठीक है, तो अगेन हम लोग यहाँ पर लेट करेंगे लेट एन इज इक्वल टू सेवन, तो एन क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा सेवन क्यूब और ये मिल जाएगा आपको सेवन मल्टीप्लाई सेवन सेवन और यहाँ हो जाएगा सेवन से फोर्टी नाइन, फोर्टी नाइन सेवन से थ्री फोर थ्री, थ्री हंड्रेड फोर्टी थ्री इज आल्सो ऑड. तो आप लिख सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली कि यहाँ पर हैंस वेरीफाइड, मीन्स क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज आल्सो ऑड. That is what we have verified here. अब चलते हैं थर्ड पे, थर्ड पार्ट. ओके, ओके, थर्ड है आपका इफ n लिव्स रिमाइंडर वन. कह रहा है कि यदि कोई नंबर n है जो रिमाइंडर एक दे रहा है when divided by थ्री, जब थ्री से डिवाइड करते हैं तो then n cube also leaves वन as remainder when divided by थ्री. तो लेट अस चेक, तो कोई नंबर n लेते हैं जो रिमाइंडर वन देता है जब हम थ्री से डिवाइड करते हैं तो करेंगे क्या,
देखिए यहाँ पर जो बोला है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, इससे हम बना सकते हैं एक फार्मूला जिससे हम डिफरेंट नंबर्स को ले सकते हैं। बोला है कि n लिव्स रिमाइंडर 1, तो n को जब हम डिवाइड करते हैं 3 से तो रिमाइंडर आता है 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ पता नहीं है क्या होगा, तो यहाँ मान लीजिए कि कोई, मान लीजिए कोई वेरिएबल दूसरा, मान लीजिए कि m है यहाँ पर, ठीक है। तो n इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 3 इंटू एम प्लस 1। तो इस तरह के नंबर को बोलेंगे कि यह जो नंबर है यदि 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा हमेशा। तो m की वैल्यू आप डिफरेंट वैल्यूज ले करके n की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो m की वैल्यू 1 लेंगे तो मिलेगा 4, पहला मिल जाएगा 4, और m की वैल्यू यदि 2 लेंगे तो 3 टू जा 6, 6 प्लस 1 7, और m की वैल्यू यदि 3 लेंगे तो 3 टू जा 9, 9 1 10। तो 3 लेना है ना, 3 डिफरेंट वैल्यूज। ओके, तो इसमें कर लेते हैं, तो लेट n इज इक्वल टू 4। देखिए 4 में यदि आप डिवाइड करेंगे 3 से ना, तो रिमाइंडर 1 आएगा हमेशा, इसीलिए हमने उस तरह का नंबर चूज कर लिया। अब यहाँ पर करना क्या है, n क्यूब करना है। तो n क्यूब करेंगे तो 4 क्यूब, और 4 क्यूब जानते हैं कितना आता है, 64। अब 64 में डिवाइड करके 3 से देखना है कि क्या रिमाइंडर 1 ही आ रहा है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर दिखा देते हैं आप, 64 में डिवाइड कर दीजिए 3 से तो मिलेगा आपको 3 टू जा 6, कैंसिल आउट, 4 उतारेंगे, 3 वन जा 3 एक बार जाएगा, और आप देख रहे हैं बिल्कुल रिमाइंडर क्या है, 1 आ रहा है 3 से डिवाइड करने पर। तो हमारा पहला वेरीफाइड हो चुका है। नाउ सेकेंड, लेट n इजक्ल टू 7, तब यहाँ पर n क्यूब निकालेंगे और ये हो जाएगा 7 क्यूब, 7 क्यूब करेंगे तो मिलेगा 343। ओके, अब इसको डिवाइड करके देखते हैं कि क्या हमारा 1 रिमाइंडर आता है 3 से। तो लेट अस डिवाइड 343 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 वन जा 3 पहले जाएगा यहाँ पर, कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 को उतारेंगे, 3 वन जा 3 एक बार और जाएगा, रिमाइंडर आएगा 1 यहाँ पर और 3 उतार लेंगे, 3 6 जा 12 हो जाएगा, और 12 हो जाएगा तो यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो 1 आएगा, ठीक है। इसका मतलब कि देखिए यहाँ पर 343 का भी रिमाइंडर 1 ही आ रहा है। अगेन क्या करेंगे, लेट करेंगे, n की वैल्यू ले लीजिए दूसरा क्या, 10, ठीक है, क्योंकि 3 से डिवाइड करने पर यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। अब इसका हम निकालेंगे n क्यूब तो मिलेगा हमें 10 का क्यूब और ये मिल जाएगा 1000। अब 1000 को भी यदि आप डिवाइड करोगे 3 से तो रिमाइंडर मिलना चाहिए कितना, 1 मिलना चाहिए। 3 3 जा 9 इसमें चला जाएगा, 3 3 जा 9 वन नंबर 10 हो गया, 3 3 जा 9 1 मिला, फिर ये 0 उतारेंगे, 3 3 जा 9 फाइनल रिमाइंडर 1 आ गया। मीन्स इसमें भी रिमाइंडर जो है 1 आ रहा है, तो हमारा वेरीफाइड हो चुका है। सो लिख सकते हैं यहाँ पर कि हैंस वेरीफाइड। ठीक है, ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं और भी, जैसे 10 के बाद आ सकता है 13, ठीक है, मतलब आपको बस ये फॉर्मूला लगा दीजिए, सॉरी 3m प्लस 1, m की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी लेंगे आपको n की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट आपका जो है, इफ अ नेचुरल नंबर n इज ऑफ द फॉर्म 3p+2, यदि कोई नेचुरल नंबर जो है 3p+2 के फॉर्म में है, देन n क्यूब आल्सो अ नंबर ऑफ द सेम टाइप। मतलब यदि इस फॉर्म का कोई नंबर लेते हैं तो n क्यूब करने पर इसका क्या होना चाहिए, सेम तरह का नंबर जो है आना चाहिए। तो लेट अस टेक, तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, p की वैल्यू 1 लेंगे तो एक नंबर मिल जाएगी n की वैल्यू, ठीक है। तो लेट n इजक्ल टू, पहला मान लेते हैं p की वैल्यू 1 से, 3 इंटू 1 प्लस 2, तो यहाँ मिल जाएगा n की वैल्यू, 3 1 जा 1 एंड 2 5, तो हमें मिल गया n की वैल्यू 5 पहला। सो इसका कर लेंगे अब n क्यूब, और n क्यूब करेंगे तो मिलेगा हमें 5 क्यूब, और 5 क्यूब आता है 125। अब करना है कि 125 को लिखना है 3p+2 के फॉर्म में। अब कैसे लिखेंगे 3p+2 के फॉर्म में, तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि रिमाइंडर कितना आ रहा है,
और उसके अनुसार हम प्लस टू कर देंगे लास्ट में जो बचेगा टू से, या फिर हम क्या करें कि इसको ब्रेक कर लीजिए दो भागों में, समथिंग प्लस टू कर लीजिए, तो हम यहीं पे कर सकते हैं 123 प्लस टू कर सकते हैं, 123 प्लस टू कर सकते हैं। अब 123 को लिखेंगे 3 के मल्टीपल में, मतलब कि 3 इंटू समथिंग लिख देंगे इसको, आप बिल्कुल हम लिख सकते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि 12 है और 3 है। तो कैसे लिखना होगा, देखिए इसमें 3 से डिवाइड करिए और यहाँ लिख लीजिए 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 से डिवाइड करिए यहाँ पर, और जो भी आता है यहाँ लिख दीजिए। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 4 12, 3 1 3 प्लस 2 तो था ही, ओके यहाँ पर जो मिला हुआ है ये 3p+2 के फॉर्म में आ चुका है। देखिए यहाँ पर 3p+2, तो p की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 41 है, ठीक है। तो हमने पहला वेरीफाई कर लिया, सेकेंड करते हैं, अगेन लेट n इजकल टू 3 × 2+2। देखिए अब n की यहाँ पर p की वैल्यू जो है हम ले लेंगे 2, तो क्या मिल जाएगा, 3 × 6+2 8 मिल जाएगा। अब करेंगे इसका n क्यूब तो क्या मिलेगा, 8 क्यूब हो जाएगा, और 8 क्यूब होता है 8 × 64 8 = 32 8 = 48 51, ओके 512 मिल जाएगा। 512 को हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करके और लिखना है इस तरह के फॉर्म में, 3p+2 के फॉर्म में। तो पहले 2 इसका सेपरेट कर लीजिए, तो इसमें से 2 यदि माइनस करेंगे तो मिलेगा 510+2। अब ये करिए कि इसमें 3 से डिवाइड कर दीजिए और जो आता है उसमें 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, मीन्स 3 × 3 से डिवाइड करके क्या मिलेगा, 3 × 1 = 3 कितना बचेगा, 2 बचेगा 21, 3 × 7 = 21, और ये 0 है तो है ऐसे लगा दीजिए, प्लस 2। तो यहाँ पर देखिए क्या मिला, 170 इज़ द वैल्यू ऑफ पी, और 3p+2 के फॉर्म में ये आ चुका है। अगेन एक और एग्जांपल लेना हमें है, तो लेट n इजकल टू 3 × यहाँ p की वैल्यू आप तीसरी बार 3 ले लीजिए, प्लस 2 इजकल टू 3 × 9+2 11 हो जाएगा, और यहाँ पर n क्यूब करेंगे तो मिल जाएगा आपको 11 का क्यूब, और 11 क्यूब करेंगे तो मिलेगा आपको 1331, ठीक है। अब इसको ब्रेक करेंगे आप 3p+2 के फॉर्म में यदि बदलेंगे तो आप बदल सकते हैं, पहले 2 सेपरेट कर लीजिए तो मिल जाएगा 1329 प्लस 2। अब यहाँ पे इसमें क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है तो लिख दीजिए 3 × 3 से डिवाइड करिए, 3 4 = 12 3 4 = 12 3 4 = 12। देखिए यहाँ पे 3 4 = 12 करेंगे तो 12 बचेगा, 1 बचेगा 12 हो जाएगा, 3 4 = 12 अगेन हो जाएगा, 3 3 = 9 हो जाएगा, फिर प्लस 2। तो हमने यहाँ पर देखिए 3p+2 के फॉर्म में कर लिया है, तो देखिए ये भी 3p+2 के फॉर्म में है, ये भी है, ये भी है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्टली कि हैंस वेरीफाइड, ओके तो बस ऐसे ही करना है आपको, और जैसा बोल रहा है क्वेश्चन वैसे ही करते हैं हम। तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा, यदि आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।